और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ब्रिक के जितने भी कंपोजिशंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले से लेके उसका हम लोगों ने बर्निंग तक, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज जो डिस्कशन होगा हमारे टॉपिक पे वो है हमारा टेस्ट ऑफ ब्रिक, यानी हम लोग कौन कौन से टेस्ट ब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने ब्रिक का स्ट्रेंथ जान सके, कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है और कितना उसके ऊपर इन्फ्लोरेंसेस, यानी कि मतलब उसके ऊपर कितने धब्बे आ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो जो ब्रिक का सबसे पहला महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हिंदी में बोला जाता है संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। इस टेस्ट को इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम अपने ब्रिक की स्ट्रेंथ या मजबूती देखते हैं कि हमारे जब भी हम उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड लगाएं तो वो कितना वो अपने ऊपर जो बल है उसको वो झेल सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको इसमें क्या करेंगे, 5 से 6 ब्रिक हम लोग एट ए रैंडमली, ठीक है, उठा लेंगे, ठीक है। फिर उसके जो डायमेंशन है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है, कि कौन से ब्रिक का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो ब्रिक की साइज है वो अलग अलग होती है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग अलग अलग ब्रिक के साइज होने के कारण हम लोग उसका साइज मेजर कर लेंगे कि कौन सा है। अगर 19x9x9 है तो वो हमारा स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, 20x10x10 है सेंटीमीटर, ठीक, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेंशनल है। और 24x11.7 और 7.6 सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेंशनल साइज है, ठीक है, सॉरी ट्रेडिशनल साइज है, ठीक है। तो हम कॉम्प्रेसिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 5 ब्रिक लेते हैं, ठीक है, एट रेंडमली हम लोग उठाते हैं, फिर उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसको हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड के तक वाटर में हम लोग उसको क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए उसको डुबो कर रख देते हैं, ठीक है। डुबो कर रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं 24 घंटे के बाद, उसको बाहर निकालते हैं 24 घंटे के बाद। जब वो बाहर निकल आता है तो उसको उसमें उसका जो दिल्ला है उसमें हम लोग 1:3 का, यानी 1 बोरा सीमेंट और 3 बोरा बालू, इसका हम लोग क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, ठीक है। मसाला भरने के बाद, मसाला बनाने के बाद उसको हम लोग फ्रॉग में, ठीक है, यानी जहाँ पे ब्रिक का वो क्या कहते हैं नेम लिखा रहता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग मसाला पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से उसमें भर देते हैं, ठीक है। मसाला भरने के बाद इसको हम लोग 24 घंटे तक इसके ऊपर जूट का बैग, यानी कि जूट के बैग को भिगा कर उसके ऊपर रख देते हैं 24 घंटे के बाद। फिर उसको 3 दिन तक इसी तरीके से पानी में उसको डुबो के रख दिया जाता है। जब हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग यूटीएम मशीन, यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के पास ले जाते हैं और लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। 14 किलो न्यूटन प्रति mm² से हम लोग उसके ऊपर लोड लगाते हैं, और जैसे ही हमारा ब्रिक टूटने लगता है, फ्रैक्चर होने लगता है, तो हम लोग वो रीडिंग नोट कर लेते हैं, और उस रीडिंग को हम लोग फॉर्मूले के द्वारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर होता है लोड अपॉन एरिया, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य बराबर होता है भार बटा क्षेत्रफल, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। इस द्वारा हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, यानी कि हमारा जो ब्रिक है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 5 ब्रिक्स लेते हैं, ठीक है, 5 ईंट लेते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ओवन में,
यानी ओवन में भट्टी में उसको हम लोग 100 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रख देते हैं। कितने दिन के लिए? 48 घंटे। ठीक है, उसको हम लोग ओवन में रख देते हैं। ठीक क्यों रखते हैं? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर पहले से एटमोसफियर का मॉइस्चर उसमें आ गया हो, इसीलिए हम लोग उसको पूरी तरीके से ड्राई बनाने के लिए ओवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक 48 घंटों के लिए हम लोग उसको रख देते हैं। ठीक, जब 48 घंटे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं तो तब हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर कूल होने देते हैं। ठीक है, जनरली ये 4 से 6 घंटों में हो जाता है, ठीक, बिना फैन के। ठीक है, जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तब हम उसका वेट करते हैं, तो वो वेट क्या कहलाता है हमारा? W1। ठीक है, वो वेट क्या कहलाएगा हमारा? W1। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी ईट को हम लोग साफ पानी में 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको 24 घंटे के लिए उसमें डुबो के रख देते हैं। ठीक है, फिर जब वो 24 घंटे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो 24 घंटे के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद कोई साफ कपड़े से, गंदे कपड़े से उसको हम लोग पूरी तरीके से पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद हम लोग उसका वेट करते हैं, पुनः दोबारा वेट करते हैं, फिर उसको हम लोग उसका नाम, जो वेट हमको मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं W2। ठीक है, इसके बाद हम लोग एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, यानी W2 - W1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाटर, कितना उसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक, अब हमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी निकालना है, क्षमता निकालना है, तो W2 - W1 / W1 × 200, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे, तो है वो हमारा इन्फ्लोरेंसेस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उत्फुल्लन। ठीक है, उत्फुल्लन का मतलब है कि क्या होता है कि जब भी हम ईंट को, ईंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं हमें उसे पता नहीं रहता है कि उसमें क्या सॉल्ट है या पोटाश है। तो पहले से अगर सॉल्ट और पोटाश अगर प्रेजेंट रहता है तो वो क्या होता है, मिट्टी में मिलके वो पूरे तरीके से क्या होता है कि हमारा ब्रिक ब्रिक में ढल जाता है, लेकिन बाद में जब वो हमारा पानी को एब्जॉर्ब करता है तो धीरे धीरे वो क्या धब्बा छोड़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रिक है उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, यानी जो हमारा ब्रिक है वो क्या धीरे छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है, क्रैक्स आने लगते हैं इसमें। इसीलिए हम लोग उत्फुल्लन टेस्ट करते हैं, क्या पता लगाने के लिए, सॉल्ट और पोटाश पता लगाने के लिए कि हमारे ब्रिक में कितना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 ब्रिक लेते हैं। ठीक है, फिर उसको हम लोग एक डिश यानी प्लेन तस्तरी, यानी उसका जो हाइट होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग 2.5 सेंटीमीटर पानी को, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम लोग उसको डाल देते हैं, जो 30 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर की जो हमारी तस्करी है, या कह सकते हैं ये हमारी डिश है। ठीक है, तो उसमें हम लोग 2.5 सेंटीमीटर तक पानी, यानी डिस्टिल्ड वाटर उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक, डालने के बाद हम अपने ईट को लंबवत खड़ा कर देते हैं। ठीक है, लंबवत जब खड़ा हो जाता है वो, तो फिर उसको हम लोग पांचों ईंटों को लंबवत यानी लंबाई के अलावा हम लोग उसको खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद क्या होता है कि एक दिन तक वो क्या, जो हमने पानी डाला था वो क्या होता है, सूखने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर वही 2.5 सेंटीमीटर उसके अंदर पूरा कंप्लीट वाटर भर देते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस लगातार 5 दिन तक किया जाता है। जब हम लोग 5 दिन तक कर लेते हैं तो हमें 4 रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, तो कुछ वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है, और कुछ वाटर क्या होता है, उस वाटर जो ब्रिक है वो क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो हम लोग को 4 चीज दिखने को मिलता है। ठीक है, पहला दिखने को ये चीज मिलता है कि दिखने को मिलता है कि अगर हम कोई भी उसके अंदर डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, यानी उसके अंदर कोई भी सफेद धब्बा टाइप का अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो
वो हम लोग बोलते हैं टिल इन्फ्लोरेंसेस, ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, जीरो उत्फुल्लन, ठीक है, शून्य उत्फुल्लन, ठीक। अगर हमको 10% जो हमारा ब्रिक का एरिया है, अगर उस 10% तक वो सॉल्ट कवर कर रहा है धब्बा, तो वो हम लोग बोलते हैं स्लाइटली इन्फ्लोरेंसेस, यानी कम उत्फुल्लन, ठीक है। फिर आता है मॉडरेट, यानी कि अगर हमारा 50% जो एरिया है ब्रिक का वो क्या कवर कर लेता है, अगर सॉल्ट का धब्बा उस पे कवर हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, मॉडरेट, ठीक है, या तुम क्या बोलेंगे, अधिक अधिक इन्फ्लुएंसेस, यानी अधिक उत्फुल्लन, ठीक है। और अगर 50% से ज्यादा एरिया अगर उसमें कवर कवर हो रही है, यानी 50 से 60 70 अगर ऐसे एरिया कवर हो रही है, तो हैवी बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या, हैवी उत्फुल्लन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बहुत अधिक उत्फुल्लन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन्फ्लुएंसेस यानी उत्फुल्लन परीक्षा करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा डायमेंशन टॉलरेंस, यानी कि डायमेंशन टॉलरेंस का मतलब है कि हम अपने जो ब्रिक है उसका हम लोग डायमेंशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितना भी हमको ब्रिक का सिलेक्शन करना रहता है, ठीक है, उसको हम लोग रेंडमली चेक कर लेते हैं, कैसे, बाय मेजर करके, ठीक है। ये ज्यादातर हम लोग इसमें क्या करते हैं, 20 ब्रिक्स लेते हैं, ठीक है। 20 ब्रिक को अगर हमको लेंथ के लेंथ मेजर करना है, तो हम लोग लेंथ के अलोंग उसको रखेंगे, ठीक है। फिर और अगर हमको ब्रिथ के अलोंग रखना है, तो ब्रिथ को मेजर करना है, तो ब्रिथ को अलोंग हम लोग रखते हैं। और अगर हाइट मेजर करना है, तो हाइट के अलोंग रखते हैं। इन 20 ईंटों को हम लोग उसका क्या, स्केल के द्वारा हम लोग उसको नाप लेते हैं। नापने के बाद हम लोग उसका एवरेज लेते हैं, जितना ईंट हम लोग लिए रहते हैं उसका एवरेज लेते हैं। ज्यादातर हम लोग 20 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 20 ईंटों का हम लोग एवरेज लेते हैं। तो एवरेज में अगर लिमिट, अगर कोई भी लिमिट इंक्रीज नहीं कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, फर्स्ट क्लास का ब्रिक, ठीक है। और अगर प्लस माइनस 3% हो रहा है, तो वो सेकेंड क्लास का ब्रिक कहलाता है, ठीक है। और अगर 8% का प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, वो अदर क्लास का कहलाता है, ठीक। ये बहुत ज्यादा आसान होता है, इसमें कुछ ज्यादा हम करना नहीं रहता, इसको बस आपको जिस हिसाब से नापना है, यानी जिस हिसाब से आपको मेजर करना है, उसे लॉन्ग उसको रखेंगे, फिर स्केल से नापेंगे, तो उसका एवरेज लेंगे। एवरेज ज्यादातर ज्यादा 1% 2% का मिनिमम या मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब आता है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस जो है वो है क्या, हार्डनेस हम लोग हार्डनेस के लिए कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है ब्रिक में, बस हार्डनेस से हम ये कर सकते हैं कि अगर हमको हार्डनेस अगर पता करना है, तो उसके सरफेस पे, ठीक है, हम लोग क्या फिंगर नेल्स से क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे, ठीक है। अगर फिंगर नेल्स से अगर उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या क्या है, वो ब्रिक खराब है, ठीक है, यानी वो ब्रिक हमारा यूज करने लायक नहीं। और अगर कोई भी इंप्रेशन यानी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो ब्रिक हमारे लिए सेफ है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है साउंडनेस, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ साउंड के बारे में पता करते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो हमारा सीमेंट में होता है, उसके बारे में, एक्सेस ऑफ लाइम के बारे में हम लोग पता करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो हम साउंड के बारे में, मतलब हम लोग ध्वनि के बारे में करेंगे, ठीक। तो इसमें साउंड टेस्ट को ब्रिक में इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि दो ईंटों को एक साथ क्या रगड़ने पे, ठीक है, एक दूसरे से टकराने पे हमको, अगर हमारी मेटलिक साउंड की, अगर मेटलिक साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ब्रिक हमारे लिए अच्छा है, और अगर नहीं हो रहा है जा रहा है, तो वो ब्रिक हमारे लिए खराब है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ब्रिक, ठीक है। तो ये सब जो सारे टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में भी इसका यूज है, ठीक है। तो आज के लिए बस ब्रिक का टेस्ट काफी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो है हमारा क्या, सीमेंट, ठीक है।